नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल कह सकते हैं आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं 12 जिले की ओर। आपको बता दें कि 12 जिले के अंदर पुलिस ने दो नाबालिग लड़कियों के साथ 11 युवकों को वेश्यावृत्ति करते हुए फार्म हाउस से गिरफ्तार किया। राजस्थान के 12 शहर कोतवाली क्षेत्र के माथनी गाँव के एक फार्म हाउस से पुलिस ने दो नाबालिग लड़की सहित 11 युवकों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी पॉक्सो राकेश शर्मा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शहर के समीप मापनी गांव के पास स्थित खान फार्म हाउस में गलत काम हो रहा है, जिस पर पुलिस ने पॉक्सो ग्राहक बनाकर मौके पर भेजा। वहां पर 9 ग्राहक बैठे हुए मिले और 2 उनके दलाल थे, साथ में 2 लड़कियां थी जो कोटा से आई हुई थी। दोनों नाबालिग हैं। दलाल के उन लड़कियों से वैश्यावृत्ति के लिए ग्राहक लाने के लिए आधे आधे पैसे में सौदा तय हुआ। जो ग्राहक देगा उसमें आधा दलाल का और आधा लड़कियों का हिस्सा उनमें तय हुआ। पुलिस द्वारा की कार्रवाई के दौरान मौके से सभी को गिरफ्तार कर सवेरे जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। पुलिस मामले की जाँच में अभी भी जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि भीलवाड़ा के अंदर सुभाष नगर थाना और एयू स्मॉल बैंक में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भीलवाड़ा जिले में कोरोना की रिपोर्ट के अनुसार 18 पॉजिटिव लोग पाए गए, जिसमें कुल 18 आए हैं, जिनमें से 11 शहर के अंदर अलग अलग कॉलोनियों में निवासरत हैं। ACMHO घनश्याम चावला ने बताया कि आज पॉजिटिव पाए गए शहरी क्षेत्र के निवासी ज्यादा हैं। AU बैंक के मैनेजर की भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर उसके परिवार व स्टाफ से कुल 13 जनों की जांच कराई जाएगी। सुभाष नगर थाने के एक संतरी के पॉजिटिव पाए जाने पर थाने के करीब 60 लोगों को तुरंत प्रभाव से टेस्ट के लिए कोरोना जांच केंद्र भिजवाया गया है। कोरोना पॉजिटिव को कुल संख्या अब तक 375 हो चुकी है। बताएं, आज मॉर्निंग में 12 बजे की रिपोर्ट में 18 केसेस भीलवाड़ा के पॉजिटिव डिक्लेयर हुए हैं। उसमें एक अजमेर का है, उनका एक लड़का जो है 2 दिन पहले यहीं एडमिट था NG हॉस्पिटल में, और ये उनके जो हैं फादर हैं, ये पॉजिटिव आ गए हैं। उसके बाद 17 जो केसेस हैं वो पूरे भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं, उसमें से 2 तो रायपुर के हैं, एक जो कि बाहर से आए हुए हैं गुजरात और महाराष्ट्र से, एक गंगापुर का है जो पंजाब से जालंधर से आया हुआ है, जो पाव भाजी का काम करता था, और बाकी रिमेनिंग जो 11 केसेस 3 जो हैं जाजपुर के हैं। एक्चुअली जाजपुर में क्या हुआ कि देवली के पास ही ऊंचा गांव है, वो उन्होंने टॉप में सैंपलिंग कराया था, हमारे यहाँ नहीं करवाया था, तो वो वहीं पर पॉजिटिव आ गए थे। हमारी सूचना जैसी मिली उन्होंने पेशेंट एडमिट करने के लिए मना किया, तो हमने फिर हमारे NG हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर लिया। बाकी रिमेनिंग 11 पॉजिटिव हैं, उसमें से जो 2 हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। एक गंगानगर से आया था जो हमारे यहाँ पे माहेश्वरी में सैंपल देकर के उनको माहेश्वरी भवन में क्वारंटाइन कर रखा था, और एक स्टाफ जो है सुभाष नगर का था जो उसको लक्षण आने पर उन्होंने यहाँ पे जांच कराई है। अभी मैं सुभाष नगर थाने में खड़ा हूँ, आपसे करीब करीब 60% को हमने जो है यहाँ से क्वारंटाइन किया है। बाकी रिमेनिंग जो है अलग अलग हैं, कुछ 3-4 % के हैं, और बाकी जो है हमने रेंडम सैम्पलिंग जो कराई थी और आईएलआई के जो सिम्टम्स आ रहे थे उनकी जांच करवाई है, तो उनमें से पॉजिटिव निकले। सर, सुभाष नगर थाने में है, इसका क्या है वैसे? सुभाष नगर थाने में ये कॉन्स्टेबल है और ये सभी के कॉन्टेक्ट में था। एक्चुअली इसका काम ऐसा था कि वो सभी के CI साहब के भी कॉन्टेक्ट में है, तो कॉन्स्टेबल के, हेड कॉन्स्टेबल के, सबके कॉन्टेक्ट में। तो एक्चुअली सभी यहाँ थोड़े से डरे हुए थे और सभी कह रहे हैं कि सर मैं भी कॉन्टेक्ट में आया था, मुझे भी ये करना, तो हमने सभी का आज एक सैम्पलिंग करा दिया है। किसी को स्टाफ को इमरजेंसी सेवा के कारण हम किसी को क्वारंटाइन नहीं करेंगे, ये ऑन ड्यूटी सारा SMS का पालन करते हुए, SMS का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगा के रहेंगे और आपका सैनिटाइजर का यूज़ करते हुए ये लोग अपनी ड्यूटी करेंगे। उसके बाद जो है अगर किसी को सिम्टम्स एक दो तो मैंने CI साहब को बोल दिया कि इनको जो है जब तक फर्स्ट नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इनको क्वारंटाइन कर देना, उसके बाद 6 दिन के बाद वापस इनके अपनी रिपोर्ट कराएंगे। थैंक यू। इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।